अभी के टाइम पे अगर आप भी एक बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपका जो बजट है वो 13,000 रुपीज़ तक ही है और आप इसी बजट में एक सैमसंग का 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो या 4G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो ये बजट एकदम परफेक्ट बजट है अगर आप एक एंट्री लेवल का सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, बिकॉज आपको इस बजट में सैमसंग के काफी सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं और आप इन स्मार्टफोन्स के साथ जा सकते हैं। और अगर आप एक सैमसंग यूजर हैं तो आपको पता ही होगा कि सैमसंग के स्मार्टफोन में अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, अच्छा कैमरा होता है, उसके अलावा भी आपको काफी सारे स्पेसिफिकेशंस काफी लाजवाब देखने को मिल जाते हैं और इसका वन यूआई का एक्सपीरियंस भी काफी अमेजिंग होता है। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहे। तो अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में तो वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F14 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 13,000 या 13,500 के बजट रेंज में आराम से देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो सबसे पहले ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर वर्क करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के तौर पर सैमसंग एक्सिनोस 3930 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 4GB का रैम सपोर्ट, 3GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड इसके अलावा अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो 6000mAh की आपको यहाँ पर एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो 6.6 इंचेस की एक काफ़ी बड़ी PLCD पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि 1080x2408 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 401 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। सो हाँ, डिस्प्ले वाइज आपको इस स्मार्टफोन में गजब की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जब भी आप इस स्मार्टफोन को यूज़ करोगे या कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे तब आपको पिक्चर और कलर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 2MP का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है जिससे आप 1080p में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करें तो 13MP का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये तो रहे हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हमारी लिस्ट के सेकेंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ जो कि आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M13 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो अगर आप इसका बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो आप आराम से आप इसे 12,000-12,500 के बजट रेंज में खरीद पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का चिपसेट देखने को मिल जाता है और ये 2.2GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 6GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन की बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 5000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मली 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। सो यहाँ पर आपको बैटरी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की एक काफ़ी बढ़िया IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 720x1600 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 270 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर भी आपको सेम 50MP प्राइमरी सेंसर के साथ डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें आपको 2MP का एक और सेंसर देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाते हैं तो आप यहां से मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 5MP का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये तो रहे हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड एंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ जो कि आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F13। तो अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन भी 10,000-11,000 रुपीज़ की बजट रेंज में देखने को मिल जाता है। और वहीं पर अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर सैमसंग Exynos 850 का चिपसेट देखने को मिल जाता है और ये भी 2GHz पर क्लॉक एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर ही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 4GB का रैम सपोर्ट, 4GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट एंड 64GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड वहीं पर अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर भी आपको 6000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। एंड वहीं पे अगर हम बात कर लें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की एक काफ़ी बड़ी PLCD पैनल देखने को मिल जाती है जो कि सेम 1080x2408 पिक्सल्स की है।
और यहाँ पर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। एंड ये जो डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, इसमें आपको 401 PPI पिक्सल डेंसिटी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो हाँ, जब भी आप इस स्मार्टफोन में कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे तब आपका एक्सपीरियंस जो रहेगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, बिकॉज आपको पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो वो काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको इस बजट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल लेयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं तो आप यहां से मैक्सिमम फुल एचडी में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 8 मेगापिक्सल का आपको यहां पर एक सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के 3 स्मार्टफोन्स में, और आप इनमें से किसी भी सैमसंग स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं अगर आपको सैमसंग का ही कोई स्मार्टफोन बाय करना है 12-13 हज़ार रुपीज की बजट रेंज में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे।